हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म तो इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग खोजते हैं खूबसूरत चेहरे, अगर खूबसूरत दिल ढूंढते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जुबा तक पहुंचने से पहले ही यह रब तक पहुंच जाती है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो, वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिसमें पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती तो इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुद खुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। वक्त कब क्या रंग दिखाएगा हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास ना मिलता। पैसों की कीमत तभी पता चलता है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं, मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर के बने होते हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वह जिसके लिए आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। किस्मत पर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो, देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत में बार बार चोट खाने वाले लोग अंत में सबसे बेखबर हो जाते हैं, अपने ही जख्मों को सहलाते रहते हैं। हर बार किसी का साथ देने से पहले सोचो कि क्या वह व्यक्ति भी आपके साथ वैसे ही खड़ा रहेगा। किसी के झूठ को सहन करना सीख जाओ, लेकिन खुद को उसकी तरह मत बनाओ। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा उस विश्वास से मिलता है जिसे आपने सबसे ज्यादा सच्चा माना था। अपने दिल को मजबूत करो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी भावनाओं को समझने के बजाय उन पर हंसते हैं। जब दर्द हद से गुजर जाए तो इंसान चुप हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने हार मान ली है, यह उसका सबसे बड़ा हथियार है। किसी को माफ करना महानता की निशानी है, लेकिन बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना खुद के साथ धोखा है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं होती वहाँ टिकना मुश्किल होता है। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसी किसी एक से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
संभव और असंभव के बीच की दूरी ही व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। जिनकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान। अब मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को। अब हम जो थे वह रहे नहीं, और जो हैं वह किसी को पता ही नहीं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी गले लगाए, सिर्फ वही अपना सच्चा होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपको आपसे अच्छा साथी और कोई हमदर्द नहीं मिल सकता। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। रूठ कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाया करते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप ही इम्प्रेस हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।